हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमारे थंबनेल में आपने देख लिया होगा, हम एमएस एक्सेल में आज जो बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सही है, जिसकी सहायता से हम कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी तक जो फॉर्मेटिंग कर रहे थे हम, किसी को बोल्ड कर रहे थे, इटैलिक कर रहे थे, अंडरलाइन कर रहे थे, तो हम नॉर्मली मैनुअली अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेते थे। सही है, कंडीशनल मतलब कंडीशनल। आप देखो, अगर आप पार्लर पे भी देखो, ब्यूटी पार्लर में, तो कंडीशनल आपकी क्या है, पार्लर है, फॉर्मेटिंग है। सही है, यदि आप पार्लर पे जाने तो पूछ रहा है कि आपको फॉर्मेटिंग करानी है, मतलब ड्रेसिंग मतलब तैयार होना है। सही है, क्या है, शादी है या दोस्त की शादी है या आपकी अपनी स्वयं की शादी है, तो उसके हिसाब से मतलब आपको बताया जा रहा है। सही है, उनका भी पैकेज है। सही है, ऐसे यहाँ पे क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या, अब मैं इसमें ये देखना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों के सबसे पहली बात सही है 33 नंबर से कम आए हैं वो क्या है, ग्रीन कलर के हो जाएं या वो क्या है, रेड कलर के हो जाएं। ये नंबर आपके सामने दे रखे हैं। ये हमारा होम डिविजन में जो ऑप्शन है स्टाइल सेक्शन में है, स्टाइल सेक्शन में जाके आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखें, अब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने पर ओपन हो गया, ये सब ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। आज जो बात करते हैं हम टेक्स्ट हाईलाइट, जो हाईलाइट सेल के बारे में। सही है, और भी मैं सभी बताऊंगा, और आज का टॉपिक है हमारा हाईलाइट सेल रूल्स। पहला है हमारा ग्रेटर देन, लेस देन। जैसे क्या, मैं भी आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मुझे क्या है, मैंने सेलेक्ट कर लिया इसी कॉलम को। सही है, अब मैंने लगाया इसमें हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन। सही है, वो नंबर निकले आए जिसके नंबर क्या है 60 से ज्यादा आए, उसके पीछे जो कलर हो जाए, वैसे बाय डिफॉल्ट बॉर्डर आ रहा है, यहां से आप चेंज कर सकते हैं, कस्टम में जाके अपने हिसाब से बॉर्डर लगा सकते हैं, लाइट रेड फिल कर सकते हैं। सही है, ग्रीन कर सकते हैं, इस तरह से आप ये देखें। बट हम क्या करना चाह रहे हैं, रेड कलर। तो हम जाएंगे इसमें किसमें, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, डायलॉग बॉक्स खुल गया आपका, स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट, फॉन्ट कलर के लिए, ये बॉर्डर के लिए, यदि आपको चारों तरफ बॉर्डर लगाना है मतलब अराउंड सही है वैल्यू के, तो बॉर्डर ले सकते हैं आप, फिल करना है तो फिल कलर कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट की फॉन्ट कलर की बात करते हैं, रेड देखें। ओके, देखो जो 60 से अधिक है वैल्यू वो क्या हो गई, रेड हो गई, इसे ग्रेटर है, इसे आप सैलरी में भी लगा सकते हैं। सही है, आपको अपनी जो सैलरी, एम्प्लॉई सैलरी है उसमें क्या है वैल्यू जो देखनी है वो क्या है 45,000 से ज्यादा देखनी है, तो इस तरह से देख सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं आज नंबर की बात कर रहे हैं, तो कौन से वाले रेड हो गए, जो 60 से अधिक है। सही है, फिर क्लिक किया, फिर मैंने क्लिक किया, ये हो गया ग्रेटर देन का, लेस देन मतलब छोटे वाले, मैंने क्या है ये लगा दिया, जो 50 से कम नंबर है। सही है, वो क्या है आपका ग्रीन हो जाए, ये देखें लाइट ग्रीन हो गया। सही है, कंट्रोल जेड पीछे जा सकते हैं आप। फिर क्लिक किया मैंने बिटवीन मतलब मध्य में। सही है, आपका क्या है नंबर क्या है जो है आपका 39 से बढ़ाओ। सही है, और क्या है 70 से मत दो, तो ये सब नंबर आ गए 39 और 70 के बीच में है, ये हो गया। और देखें आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में, ये आपका इक्वल टू मतलब फिक्स जो वैल्यू होगी वो दिखाएगा। सही है, फिर आपका दिखा रहा है इसमें जो है आपका टेस्टेड कंटेंट, टेस्टेड कंटेंट क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को चलेगा नहीं, ये आपका टेक्स्ट वाली रो है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके आपको मिलेगा टेस्टेड कंटेंट, यहाँ पे क्लिक किया, जिसमें क्या है स्पेलिंग में ई आ रहा है या जिस स्पेलिंग में वाई आ रहा है वो सब स्पेलिंग शो हो जाए, देख लें, रेड टेक्स हो गया, जिसमें वाई आ रहा है नहीं थी, जिसमें एस आ रहा है वो शो हो जाए, तो एस वाले रेड हो गए। सही है, टेस्टेड कंटेंट मतलब कहीं पे भी आ रहा हो, ये नहीं स्टार्टिंग में आ रहा हो, किसी पे भी आ रहा हो, किसी भी नंबर पे, मतलब जो करेक्टर है वो एस होना चाहिए, तो ये निकल गया। ओके करने पर देखें एस वाले निकल गया, इस तरह से आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। फिर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आपका जो है टेस्टेड कंटेंट देख रहे हैं आप, डुप्लीकेट वैल्यू मतलब क्या है, यदि वैल्यू सेम है, जैसे मैंने यहाँ से सेट कर लिया, तो यहाँ पे मुझे एक सी वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू का करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने क्या, डुप्लीकेट वैल्यू, ये सब क्या है सेम वैल्यू है, तो डुप्लीकेट वैल्यू का आ गया। उसके बाद जो है अब देखें हम रूल लगा रहे हैं, अब मैं लगा रहा हूँ इस पर रूल, ये तो मैंने आपको बताया है कि जिन बच्चों के क्या है 33 से कम मार्क्स हैं सब किसी भी सब्जेक्ट में, उसका जो कलर है वो रेड हो जाए। क्लिक किया मैंने लेस देन, यहाँ पे लिखेंगे 33। सही है, और यहाँ पे कर दिया मैंने रेड टेक्स्ट, देखें
जिसके 33 से कम है वो ऐड हो गया, ये देखें सही है। और सभी क्या है ग्रीन हो जाए, तो ग्रीन पे यहां पे क्लिक किया, यहां पे लगा देंगे क्या ग्रेटर देन कितना 33 सही है, 33 से बड़ा वाला, और यहां पे लगा दिया मैंने टैक्स में गया मैं कस्टम पे फॉर्मेट में, यहां पे फॉन्ट पे गया और मैंने कर दिया इसका ग्रीन कलर सही है। मोड में जाके आप ग्रीन, यदि आपको ये पसंद नहीं है तो आप कोई सा ग्रीन ले सकते हैं सही है। ओके किया मैंने और ये देखें ओके कर दिया, देखें और ये मैंने कर दिया ओके, ये देखो जिसके कम है सही है 33 से वो रेड है और सब क्या है ग्रीन कलर से हो रहा है। देखो आप कम कर दे अपने आप हो जाएगा, मैंने यहाँ पे मान लो 29 कर दिया रेड हो गया, यहाँ पे मैंने कर दिया आपका 31 चेंज हो गया, फॉर्मेटिंग काम कर दिया देखो सही है। और देखें कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉपिक तो और भी है, अभी तो मैंने यही बताया आपको सही है किस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज का मेन वो है आइकन सेट, मतलब हम क्या है कंडीशन फॉर्मेटिंग की सहायता से अपनी वैल्यू पे आइकन सेट कर सकते हैं। आइकन सेट की जो हमारा रूल लगाया है हमने, जो हम लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं परसेंटेज पे सही है जी। इसमें क्या है अब हम इसमें रूल लगा देते हैं, जैसे जिसके नंबर आपके क्या है परसेंटेज 60 है या 60 से ज्यादा है वो ग्रीन कलर आ जाए, और जिसका क्या है 60 से कम और 45 से बड़ी है उसका आ जाए रेड, और बचे का जो आ जाए वो येलो, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप। अभी हम 3 आइकन सेट कर रहे हैं और हम अपनी आगे की वीडियो में और भी जो ऑप्शन दे गए हैं वो आपको बता रहे होंगे। आज जो है हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग का पार्ट 1 है जो हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे लगाया मैंने, मैं जाऊंगा आइकन सेट पे, मोड रूल पे जाएंगे आप देखें, यहाँ पे मोड रूल पे जाके मैंने क्या किया यहाँ पे परसेंट लिखा है, हमारा क्या है नंबर है, सब आप नंबर कर लेंगे सही है। यहाँ पे मैंने जो दिया है यहाँ पे ग्रीन, और यहाँ दे दिया मैंने रेड, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, और यहाँ दे दिया मैंने क्या येलो सही है। मैंने गोल सर्कल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं सर्कल की जगह, एरो वगैरह ले सकते हैं सही है, लाइट का मार्क ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं सही है। मार्क ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं वो भी बताएंगे हम आगे सही है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये डाल दिया 60 से बड़ा है या बराबर है उसका ग्रीन आइकन, और जो 45 से बड़ा है या बराबर है आप, मैंने इसमें 3 आइकन सेट किए, आप 4 भी कर सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे वीडियो में। आज का जो है हमारा 3 आइकन सही है, और उससे नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा येलो, ओके कर दें आप देखें 60 से बड़ा है, 60 से बड़ा नहीं ये देखें सही है, 45 से कम वैल्यू देंगे किसी में, अभी कम कर दिया हम दिखाते हैं आपको देखें येलो आ गया, ये देखें आएंगे वैल्यू कम होगी अपने आप अच्छा, अपने आप आ रहा है देखें आप कहीं पे भी अल्टर चेंज कर लें अपने आप चेंज हो रहा है, ये देखें येलो आइकन आ गया सही है, ये आ गया सही है। तो इस तरह से हम क्या है अपनी वैल्यू के आइकन को भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग। सिर्फ हमने क्या है हाईलाइट सेल और आइकन सेट करना आपको बताया है, आप इन आइकनों को चेंज कर सकते हैं मतलब अपने हिसाब से जो भी है सही है। ये जो बताया आपने इस वीडियो में बताया, आगे की वीडियो में हम डिटेल में एमएस एक्सेल की और भी टॉपिकों पर बात कर रहे होंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।